आज इतना बड़ा ये महाकुंभ की तरह भक्तों का सैलाब, जिनके माध्यम से आपके जन जन तक और यहाँ नहीं कई देशों में पूरे भारत में, जिनके के द्वारा संस्कृत और संस्कार की एक नदी बह रही हो, ऐसे हमारे परम पूज्य पुराण मनीषी पूज्य महाराज श्री जो मंच पर बैठे हैं और जिनके सानिध्य में हम और आपका सभी का कल्याण हो रहा है, जिन्होंने अपना रोम रोम एक गौ की सेवा के लिए लगाया गया है और उन्होंने लगाते हुए इन भक्तों के एक एक रोम को भगवान गौ, चाहे भगवान कन्हैया चाहे गौ सेवा में आपके मन को बिल्कुल एकाग्र भाव से करके लगाया है। महाराज श्री का यह संकल्प केवल महाराज श्री का संकल्प नहीं है, आप लोगों के माध्यम से महाराज श्री का संकल्प है, जिन्होंने हर समय भागवत को अपना एक जीवन बनाया, पुराणों को अपना जीवन बनाया और एक पुराणों की बात नहीं अन्य अन्य पुराणों की चर्चाएं आप तक पहुंचाई, जिससे क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने महाराज जी का पहले बहुत वो तपस्या का वो भजन का वो सब कुछ का मैं समय देखा कि माँ यमुना मैया के अंदर भागवत का मूल पाठ 16-16 घंटे उस पानी के अंदर लगाया है और सज्जनों अपने इस चमड़ी को भी ऐसा लगा दिया कि हाथ लगाते कि चमड़ी गल ना जाए और जब जबड़े तक पानी है और हाथों में मूल गुटका भागवत का है। 16-16 घंटे जिनको जिया है, जिन पुराणों को लेकर जिए हैं मेरे महाराज जी। और उसके बाद दूसरी बात एक ये है कि जो ये कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई असंभव की कोई डायरी नहीं है, मेरे संज्ञान में कोई असंभव शब्द नहीं है, मेरी डिक्शनरी में मेरे साथ में सिर्फ संभव शब्द है और किसके लिए, गायों के लिए। महाराज श्री की ये कथा आप बराबर सुन ही रहे थे, समय बहुत कम है लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ पर जो भी लोग भक्त लोग माताएं बहनें सभी पूजनीय हैं, जिन्होंने जिनके माध्यम से यदि एक एक कोई पैसा यदि गौ सेवा के लिए लगाया है तो वो पैसा सबसे पहले भ्रांति अपने मन से वो निकालनी होगी कि लोग कहते हैं कि अब तो सभी संत महात्माओं का गौशाला का एक धंधा है। सबसे पहले इस मानसिक तनाव को, इस गंदगी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि गौ सेवा हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, बराबर पैसों से कर सब कुछ करते हैं, लेकिन गायों की जो व्यवस्था है वो कहते हैं कि दुर्लभ मानसो देई देई नाम छठभंगुर तत्रापि दुर्लभ मुंडे वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यदि हमको मानव शरीर मिला है, लोग कहते हैं तीर्थों में जाएं बहुत सरल बात है, लेकिन गौशाला जो तुलसी तपोवन गौशाला है वहाँ पर एक एक गाय के उस आनंद को देखिए कि आप अपने रिश्तेदारों की व्यवस्था नहीं कर सकते, वो व्यवस्था महाराज श्री ने उन गायों के लिए की है। चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, गायों को जो सुख हम अपने शरीर को नहीं दे सकते, दे सकते हैं लेकिन किसी रिश्तेदार को नहीं दे सकते, दे सकते हैं वो भी रिश्तेदार है, लेकिन जिन्होंने निस्वार्थ भाव से गौ की सेवा करी है, अपने जीवन में एक संकल्प लगाया है, तो सज्जन ये संकल्प मैं तो ये कहता हूँ महाराज जी की इन भावनाओं को सुनकर, बराबर मैंने महाराज श्री के सिंह महाप्राण की कथा को सुना और सुनने के बाद मुझे लगता है कि महाराज श्री का ये संकल्प 1,00,000 लक्ष्य जो रखा है वो इन भावनाओं से, इन अटल ध्रुव संकल्प के द्वारा पता लगता है कि 1,00,000 गौ संकल्प बहुत कोई बड़ा नहीं है। महाराज श्री की भावना, महाराज श्री का ये मन और एक एक रोम एक गौ की सेवा में लगाया है, तो सज्जनों 5,00,000 की तो चलती क्या, 11,00,000 का भी संकल्प पूरा हो सकता है। ये मेरे महाराज श्री की इन भावनाओं के संकल्प को देख कर ऐसा भाव माना जाता है। और यहाँ पर आपके पास में जो पात्र आ रहे हैं, जिनको एक धर्मपत्री पात्र कहें चाहे गौ सेवा का पात्र कहें, लेकिन सज्जन जीवन की कमाई धन की यदि गति चाहते हैं, अपने मन को पवित्र चाहते हैं, तो एक एक पैसा है। ये किसी महाराज श्री बता रहे थे व्यास अपने व्यास गद्दी से कि ये एक सेवा चल रही है, वो किसी व्यक्तिगत भाव से सेवा नहीं है, किसी परिवार के लिए सेवा नहीं है, ये सेवा हमारे धन को पवित्र करने के लिए है। तो ये एक एक पैसा गौ सेवा में लगेगा, तो इसके लिए विशेष ध्यान रखें, क्योंकि महाराज श्री ने एक बात और बताई थी, यदि भगवान को लेना है उसको हम छिपा नहीं सकते, चाहे 7 बक्सों के अंदर एक छोटी सी गुफा और बना देना, वो छिप नहीं सकता। जो मेरे नारायण को चाहिए, मेरे गौ को चाहिए, चाहे वो किसी पुलिस के रूप में, चाहे किसी वकील के रूप में, चाहे किसी डॉक्टर के रूप में, क्योंकि भावना हमको तर्क नहीं करना है किसी गौशाला को लेकर, किसी संत को लेकर, सज्जनों एक ही तर्क करना है, क्योंकि लोग तर्क ज़्यादा करते हैं। मैंने कई लोगों को उसमें कमेंट में लिखते लिख के देखा, वो लिख रहे थे कि महाराज श्री यदि मस्तिष्क पत्र पुंड है तो यदि हत्या भी कर दे तो पाप नहीं लगता, तो वो तो इसमें तो क्राइम बढ़ जाएगा,
बोले ऐसी बात नहीं है, जिसने मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगा दिया तो सज्जनों वो फिर वो क्राइम नहीं करेगा। लेकिन हमको तर्क संग्रह का सहारा नहीं लेना चाहिए। लोगों कहते हैं तर्क संग्रह का सहारा लेते, एक बेटा काशी गया और काशी जाने के बाद उसने कहा, बोले माँ मैं पढ़कर आया हूँ। बोले क्या पढ़कर आए हैं? कि जो संत कहते हैं उसका तर्क करते हैं। तो माता जी दो लड्डू लेकर आई। बोले क्या तर्क पढ़ा आपने? बोले माँ ये लड्डू कितने हैं? बोले तीन हैं। माँ ने कहा बेटा दो लड्डू हैं। बोले नहीं तीन। बोले कैसे? बोले एक और दूसरा दो। बोले दो एक तीन। अब पिताजी सुन रहे थे, पिताजी ने कहा कि बेटा तुम तर्क संग्रह पढ़कर आए हो, बहुत अच्छी बात है, लड्डू वास्तव में तीन ही है, कोई बात नहीं, एक लड्डू अपने माताजी को दे दे और एक लड्डू मुझे दे दे, तीसरा लड्डू तू खा ले। तो सज्जनों जो हम अपने जीवन में ऐसा विचार करते हैं कि जो संत करेंगे वो किसी स्वार्थ के लिए है, तो सज्जनों ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। महाराज श्री का ज़्यादा समय ना लेते हुए, लेकिन महाराज श्री के ये दो शब्द, इसके तीन दो शब्द महाराज जी की भावना से ये महाराज श्री के शब्द हैं, उनको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कि जिन्होंने एक जीवन एक ही माना है, बोले क्या हो इनके भरोसे मैंने, हाँ इनके भरोसे मैंने छोड़ा परिवार सारा, इनके भरोसे मैंने छोड़ा परिवार मानव देही शरीर दिया है तो एक एक रोम
से कमाई हुई पूंजी और अपने शरीर की रक्षा के लिए तुलसी तपोवन गौशाला में जो निष्काम भाव से गौ की सेवा चल रही है, तो ये पैसा आपका किसी व्यक्तिगत किसी खाते में नहीं जाएगा, ये सिर्फ आपके गऊ के खाते में जाएगा, जिनके द्वारा महाराज श्री के द्वारा, चाहे वो अवाध्य लोग जो जिनका कोई सहायक नहीं है। भगवान कहते हैं, आपने कथाएं भी सुनी है कि जीवन में सबसे बड़ी सेवा है कि जिस जो व्यक्ति बिल्कुल असहाय है, जिसका कोई सहायता करने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है इस हिंदू धर्म, इस हिंदू राष्ट्र को यदि घोषित हम करना चाहते हैं तो एक ही साधन है, सिर्फ गाय, गाय माता की सेवा यदि हम करते हैं तो सज्जनों वो समय ज़्यादा दूर नहीं है, वो समय बड़ा नज़दीक है कि ये भारत देश एक हिंदू राष्ट्र बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें केवल महाराज श्री के साथ में नहीं, हमारी और आपकी धर्म की और मेहनत की कमाई हुई पूंजी और एक एक सज्जनों गाय के उन देवताओं की रक्षा के लिए लगे। तो सज्जनों, ना तो हमारे जीवन में कोई रोग आ सकता, ना परिवार में ऐसा कोई कलह हो सकता। यदि हम चाहते हैं शांति प्रिय अपना जीवन, तो सज्जनों तुलसी तपोवन गौशाला के एक एक उन पहलुओं से, उन सिद्धांतों से, उन संकल्प से आप जुड़ें। इन्हीं बातों के साथ में महाराज श्री के उन समय को देखते हुए आप सबकी भावना अपने गौ तुलसी तपोवन गौशाला से जोड़ते हुए बोलिए, गैया मैया की जय, जय श्री राधे श्याम। आचार्य जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। कमाल कर दिया, क्या बढ़िया गाए, कितना बढ़िया बोले। हम बहुत संग रहे हैं, ड्राइवर को देने के लिए पैसा नहीं होते थे तो आधी गाड़ी ये चलाते थे, आधी रास्ते और आधे रास्ते हम चलाते थे, गाड़ी खूब चलाई। अरे बड़ा सफ़र किया, बड़ी यात्रा की। आचार्य श्री अजयराज शास्त्री तुलसी वन आश्रम के लिए उनका बहुत योगदान रहा है, उनके पूज्य चरणों में हम वंदन करते हैं।